सच बताऊं आज तो ब्लॉग बिल्कुल शूट करने को, लेकिन ये मेरा आजकल उसको पता नहीं क्या हो गया है कि नी आंखें बंद किए रहेगा लेकिन नी 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 करके रोता ही रहता है। अभी मैं बना चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं, बिना लहसुन प्याज वाला दाल बनाई हूँ। ये हमारा लौकी का रायता है। क्या कर रहे हो तुम लोग, ये तो खाती ही नहीं है। वो पिक्चर लगाइए, दिल तो पागल है। बहुत पागल हो रहा दिल तुम्हारा। तुम्हारा यही आदत हमको रखता है कि तुम घुस जाओगी तो सारा काम निपटा के ही आओगी। छोटी है उसकी माँ है क्या, हमेशा छोटी छोटी करते रहते, उसको परेशान से परेशान करके उसको ये वो करते रहते हो। नहीं रोते नहीं है, रोते तभी है जब बहुत ज्यादा हर्ट होता, क्योंकि जब जिस दिल जो बात दिल पे लग जाती है। चावल और रोटी बना। हे गाइस वेलकम बैक टू किट्टो ब्लॉग। सच बताऊँ आज तो ब्लॉग बिल्कुल शूट करने को, लेकिन जब मैं ये वर्ड कभी कभी बोलती हूँ ना, लोग कमेंट बॉक्स में ही लिख देते हैं तो ब्लॉग्स क्यों शूट कर रही हो, क्यों कर रही हो। अब आदत हो गई है, होता है ना, जैसे इंसान ऑफिस जाता है डेली तो कभी कभी उसका दिल करता है नहीं नहीं जाऊँगी, पर जाता है ना मजदूरी में, उसको जाना पड़ता है पेट के लिए। तो ऐसे ही कुछ हैपनी है, ऐसी हालत है। आज भी पता नहीं क्यों मैं बहुत थकी सधकी सी लग रही हूँ। एक तो रात भर मेरा आजकल उसको पता नहीं क्या हो गया है कि नी आंखें बंद किए रहेगा लेकिन नी 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 करके रोता ही रहता है। उसको दूध दो, उसका पैर ऐसे ऐसे जब करते हैं ना, शायद उसके पैर में दर्द होता है, इसके वजह से ही रोता है क्या। मुझे तो उसमें उसकी हरकतें ही समझ में नहीं आती कि उसको क्या होता है क्या नहीं होता है। पर कोई नहीं, बच्चा है तो तकलीफ, मतलब कि रोएगा गाएगा नहीं तो फिर बच्चा क्या कहलाएगा। और अभी मैं बना चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं, बिना लहसुन प्याज वाला दाल बनाई हूँ। और यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ लौकी का, और उसके बाद मैंने बना रखा है रायता। ये हमारा लौकी का रायता है, ये है, और इसका खीरा काट दिया है। फिर मैं अभी बनाऊँगी चावल और रोटी बनाऊँगी। आज मैं सारे कुकर में ही बना रही हूँ, कढ़ाई का कोई इस्तेमाल नहीं है। तो अभी मैं उसका वेट कर रही हूँ कि सब्जी बन जाएगा, फिर इसी में चावल डाल देंगे। क्या मैं 10 बर्तन फालतू का करूँ। तो अभी उसके बाद मैं देख रही हूँ कितना ज़मीन पे गंदा है, तो सब एक ही बार क्लीन करूँगी। तब तक मेरा ये सब्जी हो जाता है। मैं इधर लाइट वगैरह बंद कर देती हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग, इनको लेकर के लेटी है, मैं ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ। अभी जो तुमको इतना बुलाया सी लगी, अपना अपना समय होता है, कभी किसी का समय ज़्यादा अच्छा होता है, कभी किसी का समय ज़्यादा खराब होता है। मुझे पता नहीं क्यों जैसे बहुत ज़्यादा था। आज और रेस्ट कर लो थोड़ा सा। नहीं अभी चाय रोटी बनाना है। रोटी अभी कोई खा रहा है, मतलब चाय भी सब्जी बना के खा नहीं रहा, लेकिन मैं बना के मैं किचन में बार बार। वो तुम्हारा यही आदत हमको रखता है कि तुम घुस जाओगी तो सारा काम निपटा के ही आओगी। और नहीं तो क्या, एक होल लेडीज होती है जो भाभी की आदत है, कर लेंगी भी आदत, रेस्ट कर लेंगी। उनका की आदत है, चाय बना ली, रेस्ट कर ली, चाय नाश्ता जो भी बना ली, रेस्ट कर ली। उसके बाद मेरा क्या आदत है कि मैं एक तरफ चावल, एक तरफ नाश्ता, तो एक तरफ खाना भी, क्योंकि किचन बार बार गंदा करना से अच्छा एक ही बार गंदा हो मैं ज़्यादा अच्छा समझती हूँ। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, क्योंकि करना मुझे ये, चाहे ऐसे थकान से करो चाहे वैसे थकान से करो, करना तो है, तो इसीलिए मैं करके ही हटती हूँ किचन में से। और उसी समय में सफाई ये बेडशीट मैच कर रहा तुम्हारे ड्रेस से पूरा। आपको अपना मेडिसिन याद रहता है, लेकिन मेरी बेटी का मेडिसिन नहीं याद रहता। छोटी में बोला था विटामिन डी इसका निकाल के रखो। मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ है छोटी। किट्टो कौन सा विटामिन डी कहाँ रखा है बताओ। छोटी है उसकी माँ है क्या, हमेशा छोटी छोटी करते रहते, उसको परेशान से परेशान करके उसको ये वो करते रहते हो। साली है तो क्या हुआ, बोलो पूरा वर्ड बोला करो, छोटा सा वर्ड वर्ड बोला करो। साली है, आधी घरवाली है, बस सुन ली फिर रोना। नहीं रोते नहीं है, विटामिन डी रोते तभी है जब बहुत ज्यादा हर्ट होता, क्योंकि जब जिस दिल जो बात दिल पे लग जाती है। वो जो मैडम आयरन की दीदी वो कौन सी है किट्टो, यही क्या दिखाना किट्टो।
मेरा हाथ क्यों काम रहा है? लीजिए हां, मस्त यही तो है। ड्रॉप से पिलाया जाता है, ड्रॉप कहां है इसका? हां ये आयरन का, ये डी की विटामिन डी, इसके डी का ड्रॉप कहां है? 1 कैप किसी में तो ड्रॉप वाला होगा ना। A few moments later. अभी मैं फ्री हुई हूँ और बहुत सारा खाना बना दिया तो घर है और फ्रिज में है। खाना निकाले? आपको भूख लगा? 1:30 बज रहा है। निकाल दो खा लेते हैं। मैं तो एडिट कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं अभी नहीं खाऊंगी, अभी जस्ट बना के उठी हूँ ना, नहीं खाऊंगी। तुमको निकाल देना, निकाल दो। सलाद, अचार, रायता, दही, दाल, रोटी, सब्जी और चावल का सीटी नहीं निकला है, तो कुछ सीटी नहीं थी। अभी रोटी खाते रहेंगे, तब तक मैं चावल दे दूंगी। आइए, ए कहाँ खाएंगे? तब तक खाओ रोटी, मैं चावल का सीटी निकल जाएगा। अभी पति देव बताएंगे कैसे क्या क्या चीज बना है। भैया हम तो जितना मेरे से हो सकता है मैंने इतना किया, अपना फर्ज निभाया। ये दरवाजा क्यों खुला है? आगे तक करेंगे क्योंकि एकदम परफेक्ट करना है एडिट, इसमें भी मजा आएगा। जा परफेक्ट करा है एडिट, हम कर रुआई के बस खाली तो क्या अच्छा लगा था। ए छोटी खाना खा लो। ये भगवान तो क्या चाहती है, दही भी दे दिया, रायता भी दे दी। अरे खाओ तुम, तुम पति को सेव कर देगी लग रहा है। शुक्र मनाओ बीबी ऐसी मिली है कि आपको। हाँ छोटी जाओ खाओ, लीजिए चलो तो इसमें खाओ। कल व्रत थे तो कल तुम्हारा देखे थे मुंह बना हुआ था। बाबा मुंह तो नहीं बना था पागल, बाबा तुमको भूख लग रहा था ना। मेरे भूख का कुछ होता है क्या? कंट्रोल अपने हाथ में, भूख लगना। जाओ खाओ 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 खाओ, तुम मेरे को भी भूख नहीं लगी है। पानी दे दे यार, अच्छा बहुत मस्त है। तुम भी खाओ, तुम रायता खाते हो? चलो आज तुमको खिलाते हैं खाना। तुम लो छोटी, रोहित भी बैठ जाएंगे वहां पे। परवीन को तो क्या रहता था, बोल दे तो जब खाना खाएगा तब दे देंगे ना। बहुत मस्त रहता है परवीन, तुम बोलोगे दीदी। ये तो खाती ही नहीं है। वो पिक्चर लगाइए, दिल तो पागल है। बहुत पागल बुरा दिल तुम्हारा। A few moments later. बस दिन भर हंसो गाइस। अरे बाप रे, आज किट्टो रानी को चस्का चढ़ा हुआ जींस और शर्ट पहनने का, क्योंकि क्या बाबू ये कोई बात नहीं होगी जींस और ये क्या वर्ड बोल रहे हो आप? लड़ाई करोगे मुझसे? अभी सुबह डांटे, समझ में नहीं आ रहा। अभी तो खरीद के लाए नहीं है कि हम आज ही कल में खरीद के लाए पहन लिए।
इससे मेरा पुराना ड्रेस है वही पहन रही हूँ ना। तो हम आगे बात तो सुनो, तारीफ ही तो करने जा रहे थे हम। तो हंस के कोई तारीफ करता है? तारीफ कैसे की जाती है, रो के की जाती है। हंस के मजाक लेके पहले स्टार्टिंग में फिर तारीफ। नहीं, हम ऐसे ही करते हैं। अमित जायसवाल, यू नो वेरी वेल, तुम मुझे जानती हो बहुत अच्छी तरीके से, मैं कैसे करता हूँ तारीफ। मेरा लिपस्टिक खत्म हो गया था, दो ही दिन लगाया खत्म हो गया। तो क्या करे, खत्म हो गया और क्या। क्या चाहती क्या तुम मेरे से? गाइस पता है, इस सुबह मैंने जो वीडियो बनाया उसके चक्कर में इनका मुँह इतना बड़ा फूला, फिर से लड़ाई हुई है बहुत भयंकर वाली, और मैं मार खाया हूँ, फिर मैं रोया हूँ, फिर मैं सो गया हूँ, फिर मैं उठा हूँ। तो झूठ बदनाम करने के लिए मेरे को किस हद तक गिर सकते हैं ये मुझे। तुम मुझे मार, मेरा मंगलसूत्र टूटा है बाबू, दिला तुम्हारा गला खाली है, मेरा दिल टूट गया, तुम्हें मंगलसूत्र की पड़ी है, यहाँ पे सारे सूत्र खराब हो गए। हमको मजाक बिल्कुल नहीं पसंद है। कॉमेडी वीडियो क्यों देखते हो, मजाक नहीं पसंद है तो? ये रहा मंगलसूत्र, ये लो अपना मंगलसूत्र, और मुझे एक नया मंगलसूत्र आज किसी भी कीमत पे चाहिए तो चाहिए हमको, बस हम बता दिए। आखिर किट्टो ने क्यों अपना मंगलसूत्र उतार के मेरे हाथों में मुझे वापस कर दिया? क्या हमारा रिश्ता यहीं तक था? ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या एक औरत सिर्फ और सिर्फ सोने से प्यार करती है? टूट गया है इसलिए। अच्छा, टूट गया है क्या? सॉरी, मैं ब्लॉक के चक्कर में कुछ इमोशनल बोले जा रहा था। तो गाइस, किट्टो रानी का मंगलसूत्र टूट गया। ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में बहुत बड़ा हुआ कांड, किट्टो रानी का टूटा मंगलसूत्र। मैंने निकाल के रखी थी और देखे खट्टे से उधर से निकला हुआ है। तो चलते हैं, जिन भैया के यहाँ ये लिया था उनके यहाँ चलेंगे, और किट्टो रानी के इस मंगलसूत्र को करेंगे नया, लेंगे नया, दे करके नया ले लेंगे ना। बिल बिल मांगेंगे क्या भैया? क्या बिल मांगेंगे, उनके पास नहीं रहता है क्या? हमारे पास बिल, हम कुछ फेंकवा देते हैं। चलो, लेकिन प्रभु दयाल के यहाँ ठीक है, उनके यहाँ पता है कंप्यूटराइज बिल मिलता है, तो इनके यहाँ कंप्यूटर वाला बिल मिलता है ना? पता नहीं। हाँ, इनके यहाँ कंप्यूटर वाला बिल मिलता है? नहीं, कंप्यूटर वाला मिलता है, कागज बना के देते। नहीं, कंप्यूटर वाला बिल मिलता है इनके यहाँ भी, तो इनके यहाँ मेरे नाम नंबर मिल जाता है। चलिए देख लेते हैं ना। तो ये कितने का था, 80 कि 75 हज़ार का था? ये 80 हज़ार का मंगलसूत्र था जिसका देख रहे हो आप सब लोग। तो कब का लिए हैं? फर्स्ट एनिवर्सरी, ये जब बाबू पेट में था। बोले 10-20 साल हो गया लिए हुए। एक साल बड़ा ही होगा सर, घटे तो होगा, बड़ा ही होगा ना इसका रेट? क्या बड़ा होगा, एक साल हो गया, मतलब कि अरे क्या नाम है जो एनिवर्सरी था वो वाला, मेरा एनिवर्सरी क्या बोलते हैं, तो मैं अपना रिंग भी लेके चलूं क्या? ये रिंग देकर के एक बढ़िया सा रिंग ले लेता हूं। आज ये कुल खर्चा कर लिया, अभी देखा तुम पैसा रुपया कहीं से आवे तो मत टूटा हुआ, तुम मजबूरी में जाते ही लेवे तो मतलब टूटा हुआ, हम मजबूरी में जाते भाई लेवे। चलो एक को पायल भी देख लेंगे, पायल वहीं से लेना मदन गिर से। ठीक है, हां सही कह रहे हो, यहां चेक करना पड़ेगा भाभी जी। मेरा दिल टूटा, किट्टो रानी ने उतार के दे दिया। आपका दिल नहीं टूटा है, आपने मेरे दिल को तोड़ा, तभी जाके मंगलसूत्र टूटा, वरना इसकी हिम्मत कैसे हुई टूटने की? इसके पास हिम्मत होती है क्या? अब बताओ मैं कैसे? भाई तेरे पास हिम्मत है क्या? प्रवीण, मतलब पहले से मेरा वेट कम हुआ है? हाँ, मोटी लग रही है। कल मैंने देखा था आपका रील, मुझे लग ही नहीं रहा था पतली होगी, ऐसा लग रहा पहले की रील देख रहा हूँ मैं। कल वाला? कल वाले भी मुझे भी ऐसा भाई, ज्यादा तारीफ मत किया करो। ब्लाउज जो पहनी थी ना, मतलब जितने भी ब्लाउज स्टिच आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा ढीला था जो मैं पहनी थी। इधर आइए आप। अच्छा, एक रील पता, मैंने चेक भी किया, पुराना है कि नया रील है, उसमें मैंने चेक भी किया जाके, पुराना रील तो नहीं है। अभी भी लग रही हूँ आज, लेकिन उस वाले ड्रेस से मोटी लग रही थी ना, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। भाई तुम कभी ना भी कहते हो, बस हूँ हूँ हर बात पे हाँ हाँ करते रहते हो। परवीन का हर बात पे हाँ रहता है। कमेंट करके क्या ये बात सच है? अगर सच है तो मैं कंटिन्यू 12 दिन तक, एक महीना तक व्रत रह लेती हूँ खा खा के। लेकिन आज मेरा मैंने इतना मन से बनाया था इसलिए मैंने खा लिया खाना, सच बता रही हूँ। तो ज़्यादा ब्लॉग को बड़ा नहीं करते हैं, और मैं जा रही हूँ नया मंगलसूत्र खरीदने, आप लोग को ज़रूर पसंद कराऊंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।